एवरीवन, आज हम पांच चार्ट लेंगे एनालाइज के। सबसे पहला है 1910-1985, रात के 12:20 नाइट, चमोली उत्तराखंड, करियर प्रॉब्लम। कर्क लगन वालों के लिए मैं हमेशा तीन बातें बोलती हूँ, पिता का सुख है नहीं, पत्नी बीमार रहेगी, पड़ोसी हमेशा बुरा चाहेंगे। आपका लग्नेश ही सिक्स हाउस में है, यानी क्या है कि आप मेहनत तो बहुत करोगे, कितना मिलेगा? एक रुपया मिलेगा, ठीक है। और आपकी जो आई चलाई है वो शुरू वो है 2026 तक। 26 के बाद आप 7 साल नीचे आओगे, आकर चीज़ें चली जाएं कोई बात नहीं, फिर इसके बाद राहु की महादशा में आप कोई आके चला जाना, जैसे अभी 10 साल है आपके। तो मैं कभी कहती हूँ आके चला जाए कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि साथ तो कुछ भी नहीं लेके आए, यहाँ रहने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो उसके ठीक है, आकर गया आपका। तो जैसे ये वाली महादशा 7 साल की रुक जाएगी, सूर्य की महादशा, उसके बाद जो राहु की महादशा है उसमें आपकी फिर आई चलाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो मतलब ये देखना है कि कौन सा प्लैनेट कितनी बार देने आ रहा है, और गुरु की महादशा में तो कुछ नहीं है, फिर शनि की महादशा में कुछ नहीं है, उसके बाद बुध की महादशा में भी कुछ नहीं है, उसके बाद सॉरी, तो अभी आपके पास टाइम है। फिर राहु की महादशा में 19 साल कम नहीं होते, 18 साल। स्ट्रेटजी बना के चलो, देखो खर्चे तो आएंगे, पैसा हाथ से निकलता जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्लैनेट अपना काम करके ही छोड़ेंगे, आप जितनी मर्जी होशियारी कर लो, ठीक है। और कभी आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है, और आपने मंत्र लेना है माँ काली का, और यहाँ पर आपने रोली का तिलक लगाना है, आस्तिकम मुनिराजम नमो नमः, ये दो पाठ आपने करने ही करने हैं, ये आपकी दवाई है। और इसका कितना असर आ रहा है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। आगे चलते हैं। 1-3-1977 टाइम 6 AM दिल्ली, मैरिड लाइफ और फाइनेंशियल। आपकी गाड़ी चलेगी 2030 से लेके 37 तक, और बाकी मैरिड लाइफ का सुख नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितने प्लैनेट पावरफुल होंगे आपके सारे घर खराब हो जाएंगे। आपका मंगल एक्सॉल्टेशन है, फोर्थ सुख गया यानी पत्नी सुख गया उसके, क्योंकि कार्तिक कौन है, शुक्र, उसके बाद आपका बैठा है 10th हाउस में राहु, तो शुक्र उच्च का है, मंगल भी उच्च का है, तो कोई घर आपके खराब हो गए, फाइनेंस और पत्नी सुख सॉरी, लेकिन आपकी गाड़ी चल पड़ेगी 2030 से 37 तक, इसके बाद कुछ भी नहीं। और आपने जो मंत्र करना है ओम नमः शिवाय, अपने यहाँ पर तिलक लगाना है चंदन का, आस्तिकम मुनिराजम नमो नमः, ये मंत्र करना है। आगे चलते हैं। 13-9-1994 10-7-10 AM प्लेस हरियाणा सोनीपत, तो आपका चलेगा 2025 से 2035 तक। आप ही अपनी स्ट्रेटजी देखिए, सेट करके चलिए, आपको सिर्फ चंद्रमा देने वाला है, तो इस बीच ही आपकी इनकम है, इसके बाद कुछ सॉरी। और आपने मंत्र लेना है ओम राम प्रीम ओम सह शनिचराय नमः, शनि का मंत्र लेना है। और जब भी प्लैनेटरी पोजीशन चेंज होती है, तीन तरह के फल मिलते हैं, प्रारब्ध, क्रियामान और संचित। जब गुरुदेव निकलेंगे 2 साल बाद यानी 2021 में शनि के ऊपर, तब आपको थोड़ी सी किक मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज कुछ नहीं आपके बारे में। आगे चलते हैं। 7-1-1981 3:30 AM मुजफ्फरनगर UP, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी 23-5-2020 में। मुझे ये कहते हुए इतनी खुशी हो रही है कि सारे 15 चार्ट में सिर्फ आपकी उंगली अच्छी है, आपका भगवान हाथ नहीं बताइए इसके पास, पीछे आप मुड़ के भी देखोगे, लेकिन ये नहीं कि अपने अंदर अहंकार ले आओ और लोगों को दिखाने के लिए लोन पे लोन उठाते रहो, गाड़ियाँ लेते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, हर चीज़ की वैल्यू करो आप। इसीलिए प्लैनेट आपको एक मौका देते हैं, जिस दिन आपके अंदर अहंकार आए, जिस दिन आपने हाई रिस्क लिए, आपको कोई नहीं बचा सकता,
और ये मसन जी लेक्चर है, ये गुरु है, मैं गुरु हूँ आपकी, इस समय इस कुर्सी में बैठी हूँ, गुरु का काम है रास्ता दिखाना, अपने अंदर अहंकार कभी मत दिखाना क्योंकि आपका मंगल इस तरह से बैठा होगा तो आपका अच्छा है। ठीक है, आगे चलते हैं। 26/5/1986 भोपाल, 6:30 AM आपकी गाड़ी चलेगी गुरु की महादशा में। ठीक है, और आके चीज़ें चली जाएंगी आपकी भी, सॉरी, लेकिन आपका जो मंत्र बन रहा है वो बन रहा है ओम नमो नारायण, ये वाला मंत्र आपने करना है। और गुरु की महादशा में क्या है, आके चला जाए कोई नहीं, बट आना चाहिए, अभी आ नहीं रहा तो ठीक है। और हमारे 5 चार्ट पूरे हो चुके हैं, इसी तरह मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सच सुने, ज्योतिष मजाक नहीं है, ज्योतिष सच है। और ये कौन ग्रुप करेगा टाइम, मैं मैसेंजर हूँ और सिर्फ मैसेज देने आई हूँ, क्योंकि मैंने आपको इस नक्षत्रों में पैदा नहीं करा, मैंने नहीं बोला चित्रगुप्त को ये पनिशमेंट दे, आपके कर्म है, आपका कार्मिक अकाउंट है, आपका कर्म है। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस और प्रॉब्लम, ये मजाक नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखो। और सच्ची कहती हूँ, जिसका ये होगा ना वो यहाँ से तरक्की करके ही जाएगा, क्योंकि अगर बीमारी है तो दवाई भी है। अगर आपके लिए मजाक है क्योंकि आप हर 2-2 मिनट में एस्ट्रोलॉजर बदल रहे हो, आप खुद ही 10 साल बाद एनालाइज करना कि मैंने क्या एनालाइज करा था। और ये टाइम प्रूव करेगा इंसान को, क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं है कि ज्योतिष सच है। कलयुग में ये जो मिथ्स फैली हुई है उसको हटाना बहुत मुश्किल है। और देखिए, मेरी तो लड़ाई भी 10 साल से शुरू हुई है और सच तक पहुंच भी गई हूँ, लेकिन ये जो मैं एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ ये उनको भी 7 महीने हुए हैं, तो मैंने कभी कोई बड़े ख्वाब नहीं देखे, बहुत नॉर्मल सी हूँ, बहुत सेंसिटिव हूँ। आपके नेगेटिव कमेंट्स से मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हूँ और डिप्रेशन हो जाता है मुझे कि मेरी क्या गलती है, फिर मैं वो ढूंढती हूँ। तो भगवान कहते हैं, मैं तभी तो कह रहा हूँ टू द पॉइंट बात कर, किसी को बताई मत, क्योंकि आप लोग टेंशन क्या ले लेते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोली, मैं आपको अलर्ट कर रही हूँ, आपको इन चीज़ों से अलर्ट होना है। और मैंने बताया गया है कि एक दिन मैं अपना सीक्रेट रिवील करूँगी और वो मैं डेट बता देती हूँ 22 फरवरी को, तो उसमें ही सारा सच बताऊँगी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं इतनी शार्प प्रडिक्शन और साफ बात क्यों करती हूँ। ये मत सोचिए ज्योतिष भगवान होते हैं, वो भी आपकी तरह इंसान है, लेकिन मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ जो कारण जानती, जो लॉजिक जानती है ऐसा क्यों हो रहा है। तो अगली बार मिलते हैं एनालाइज पार्ट में, इसी तरह मुझसे जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।